नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य मिटाता है। आपका एक शेयर कितने बड़े पुण्य का काम करता है। आपका एक शेयर इसलिए शेयर तो बनता है, कमल नंदलाल ये कहता है। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं मैं आपके घर वास्तु या ऑफिस का वास्तु देखूं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या चाहते हैं किसी जटिल समस्या का सरल समाधान, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर। मेरी प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए, कमल नंदलाल के नाम से जो प्रोफाइल है उसे सिलेक्ट कीजिए और सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं प्रोफेशनली आपकी मदद करने के लिए तत्पर हूँ, कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो देरी किस बात की है, मिलाइए अभी कॉल और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम वास्तु के सच में आज के विषय पर। मित्रों, आज एक बहुत ही खास विषय को लेकर हम आए हैं। क्या आप भी छत पर तुलसी का पौधा रखते हैं? सावधान हो जाइए, आ सकता है आर्थिक संकट। बिल्कुल, देखिए तुलसी पर मैं करीबन इससे पहले 4 एपिसोड बना चुका हूं, आपको बता चुका हूं तुलसी किस किस डायरेक्शन में रखनी चाहिए और कहाँ रखने से क्या प्रॉब्लम होती है। अब अक्सर होता क्या है, दिल्ली मुंबई बड़े मेट्रो शहर्स में जहाँ फ्लैट का कल्चर है और जहाँ पर मकान छोटे हैं, वहाँ पर जहाँ पर बॉल्कनीज भी नहीं, अक्सर दिल्ली में तो फिर भी बॉल्कनीज आपको मिल जाएंगी, मुंबई जैसे शहर में बॉल्कनीज भी नहीं है पुरानी बिल्डिंग्स में, ऐसी जगह पर तुलसी रखी कहाँ जाए? या तो आपके सोसाइटी का कंपाउंड है और या फिर छत है, क्योंकि अगर बॉल्कनी है ही नहीं तो क्या किया जा सकता है। ऐसे में हम क्या करते हैं, सबसे इजी सबसे सरल चुनाव कर लेते हैं छत का, कि धूप भी मिलती रहेगी और झंझट भी खत्म। अगर कोई भी जाएगा एक व्यक्ति तो वो दूसरी तुलसी में भी पानी चढ़ा देगा। और ऐसा हम अक्सर करते हैं, उसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा मूल कारण है कि कुंडली में बुध की स्थिति को जरूर चेक कीजिए। अगर बुध आपका बहुत की इंपॉर्टेंट प्लैनेट है तो निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अक्सर ऐसे लोग जिनका बुध धन से संबंध रखता है, उन लोगों को आर्थिक हानि शुरू हो जाती है। अपने घर की उत्तर दिशा को चेक कीजिए। अगर आपके घर की तुलसी आपने छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलना शुरू हो जाएंगी। आपके घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। आपके घर की उत्तर दिशा में कहीं ना कहीं लाल रंग का प्रयोग या ग्रे कलर का प्रयोग शुरू हो जाएगा। आप ये भी देखेंगे, अमूमन जिनके घर पर तुलसियां होती हैं वहां पर एक चीज और होती है, वहां चिड़ियाएं या कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं आजू बाजू में, और ये है बुरे केतु की निशानी। अक्सर वो लोग जो घर की छत पर तुलसी रखते हैं, अगर उनकी कुंडली चेक की जाए तो उनकी कुंडली में एक प्रकार का वास्तु दोष मिलेगा और इस दोष को बोलते हैं प्राकृत दोष। इसके बारे में पूरा नॉलेज लाल किताब देती है। लाल किताब सिर्फ उपायों का नाम नहीं, बहुत ज्ञानवर्धक चीजें भी हैं और ये एक ऐसी किताब है जिसमें 16 अलग अलग तरीके के पितृ ऋण बताए गए हैं। उनमें से एक पितृ ऋण को मात्र दोष, दूसरे पितृ ऋण को प्राकृत दोष या कन्या दोष कहा गया। दोनों में हालांकि थोड़ा फर्क है, कन्या दोष और प्राकृत दोष। प्रकृति से जो हमें दोष मिलता है, जो हमें ऋण मिलता है, उसे हम प्राकृत दोष कहते हैं और उसका सीधा संबंध बुध के साथ में है। जिसका बुध भी छदम भाव में बैठा हुआ है, जिसका बुध भी खराब है, उसका सिग्निफिकेशन घर की उत्तर दिशा से है। घर में चीरे आ जाना,
उत्तर दिशा के अंदर गटर का होना, उत्तर दिशा के अंदर टॉयलेट का होना, उत्तर दिशा में लाल चीजों का इस्तेमाल, बहुत भारी हो जाना उत्तर दिशा का, जगह जगह पर हरे रंग का इस्तेमाल कर लेना, ये बुध को खराब करता है। और स्पेशली अगर तुलसी का पौधा छत पर चला जाए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी प्रॉब्लम करता है वाणिज्य करण में, क्योंकि बुध बुद्धि का भी प्लैनेट है और साथ में धन का भी प्लैनेट है। बुध को वाणिज्य का स्वामी माना जाता है, बिजनेस का स्वामी, स्पेशली वो बिजनेसमैन जिनका फुटकर धंधा है, रोज का जिनका कैश कैश का काम, उनका कैश फ्लो खत्म हो जाता है। ऐसे में तुलसी के पौधे को कभी भी छत पर ना रखें। और दूसरी बात, इसको रखने की सबसे सही डायरेक्शन है उत्तर दिशा। उत्तर के बाद इसे आप जरूर ईशान तक में रख सकते हैं, लेकिन इसे पूर्व में भी नहीं रखना चाहिए। इससे आप पश्चिम दिशा की तरफ जरूर रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है, रामा तुलसी नहीं रखी जाती है। यानी कि हरे पत्तेदार जो बड़ी तुलसी होती है, जिसको हम तुलसा जी कहते हैं, उसे कभी भी दक्षिण दक्षिण पश्चिम में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा वास्तु दोष ज्यादा होते हैं। ऐसे में एक विशेष उपाय करें, अगर आपके पास रखने की और कोई जगह नहीं है और छत पर ही रखने की जगह है, तो एक विशेष काम जरूर करें। तुलसी को कभी भी अकेले ना रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें, और उसे एटलीस्ट एक जरूर काम करें कि उसे घर की, अगर छत पे है तो घर की दक्षिण दिशा में रखें। और ऐसे में केले का और तुलसी का पौधा बिल्कुल एक साथ चिपका के रखें और उन्हें मौली से बांध लें, उनका गठबंधन करा दें, तो निश्चित रूप से जो हानि है वो नहीं होगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और जाने से पहले यही कहूंगा, एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें, पुण्य कमाएं। और अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल को सिलेक्ट करके सीधा कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल, हम सभी का आने वाला कल जो है, आज से कुछ बेहतर, कुछ सुंदर हो। इजाजत दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय।